अच्छा व्यक्तित्व। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अच्छा व्यक्तित्व मतलब क्या। मेरा यह मानना है कि शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों के कार्य क्षमताओं का सुयोग्य संतुलन और इनके माध्यम से साकार की गई सामाजिकता मतलब अच्छा व्यक्तित्व। इन तीन पहियों में से अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो कोई ना कोई कठिनाई तो आएगी ही। जन्म के साथ हम जो कुछ लेकर आए हैं वह हमारे हाथ में नहीं था, इसलिए जो शरीर, जो मन और जो बुद्धि जन्म से हमें मिली है उसका स्वीकार करने के अलावा भले ही हमारे पास कोई चारा ना हो, लेकिन उसके अच्छी तरीके से देखभाल करना और हमारे क्षमताओं का विनियोग स्वयं का परिवार एवं समाज के कल्याण के लिए करना, ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर हमारी अच्छी बुरी आदतों के अनुसार स्वस्थ या बीमार होता है। हमारा मन हमें बचपन से मिले संस्कार तथा वैचारिक बैठक का आईना होता है और हमारी बुद्धि जिज्ञासा, अभ्यास और आकलन क्षमता पर निर्भर होती है। अपनी पूरी आदतों को पूरे प्रयास से हम बदल सकते हैं या उन्हें त्याग सकते हैं। संस्कार फैशन की तरह समय के साथ नहीं बदलते, सिर्फ उनके स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन उसके जड़ कायम रहते हैं। बुद्धि हर इंसान की क्षमता के अनुसार, उसने ली हुई शिक्षा के अनुसार और उसने किए हुए अभ्यास के बलबूते पर तेज बनती है। इसलिए मेरे ख्याल से स्वस्थ शरीर, अच्छे विचार, तेज दिमाग, सामाजिक कार्य तत्परता, इन चारों के मिलाप से साकार होता है अच्छा व्यक्तित्व।